Richie FM is number one internet company. I love Richie FM, it's so hot. They gave me la la, kai me hi hi. Thank you, Tao Pua, man. Richie FM is hot. Here is Rugby Town, Singer Talker, love listening to Richie FM. Richie FM is hot. Richie FM is number one in Suva. It's hot. नमस्कार, समाचार दर्शन के साथ मैं हूं शैरिन लता। फिजी लेबर पार्टी अब सोडेल्पा से दूरियां यानी डिस्टेंस ले रही है। दोनों पार्टी के बीच पॉलिटिकल पार्टनरशिप 7 मार्च को पब्लिक किया गया था, जब रोतेमुमुकेपा को सोडेल्पा लीडर घोषित किया गया था। नेशनल फेडरेशन पार्टी तथा फिजी लेबर पार्टी ने साथ मिलकर नए सोडेल्पा लीडर को शुभकामनाएं दी तथा इन सभी पार्टियों ने यूनाइटेड फ्रंट फॉर डेमोक्रेटिक फिजी को स्थापित किया, जिसमें वे सभी पार्टीज शामिल थे जो बैनीमारामा गवर्नमेंट के खिलाफ है। फिजी लेबर पार्टी और सोडेल्पा ने कॉलिशन की घोषणा कई बार की और दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स एक दूसरे के मीटिंग्स में भी भाग ले रहे हैं। हालांकि अब ऐसा लगता है कि सोडेल्पा मेंबर्स और महेंद्र चौधरी के बीच कुछ कड़वाहट सामने आई है, जिससे दोनों पार्टीज के बीच दरार आ सकती है। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनीमारामा ने लोकल एनजीओस तथा ह्यूमन राइट्स की निंदा की है, जिन्होंने अभी तक इक्वल सिटीजनरी यानी लोगों के लिए बराबर की नागरिकता को लेकर फोमा प्राइम मिनिस्टर लेसनियंग गरसे द्वारा जारी बयान का खंडन नहीं किया है। आज सुबह नतंबुआ हाई स्कूल में कैडेट से बातें करते हुए बैनीमारामा ने बताया कि गरसे द्वारा ये बयान कि फिजी में सभी लोगों के पास सामान्य अधिकार नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। बैनीमारामा ने सवाल किया कि क्यों एनजीओस तथा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अब तक इसका विरोध नहीं किया है। इलेक्टोरल कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से मांग की है कि वे जल्द से जल्द अपने कैंडिडेट्स के नामों को सबमिट करें। नॉमिनी सबमिशंस मंगलवार को शुरू हुआ तथा पार्टीज के पास सभी कैंडिडेट्स के नामों को फाइल करने के लिए इसी महीने की 18 तक का समय है। कमीशन चेयर चेनबा नियांग का कहना है कि सभी अर्जियों को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कैंडिडेट्स इलेक्टोरल डिक्री के तहत लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं। सभी पार्टी को हर एक कैंडिडेट के लिए $1,000 भरना होगा। और खेलकूद में नंडरोंगा रग्बी टीम ने कल सुबह के खिलाफ स्कीपा कप सेमीफाइनल के लिए एक ताकतवर टीम की घोषणा की है। कोच एसाला नाउंगा का कहना है कि वे इस सीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप्स में से एक है। फिलहाल सुबह को भी काफी स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, जबकि नेशनल रेप विलियामे वैकोसो टीम को लीड कर रहे हैं। यह मैच कल दिन में 3 बजे होगा, जिसकी लाइव रेडियो कमेंट्री आप बुला FM पर वॉइस ऑफ रग्बी ग्रेम ईडन के साथ सुन सकेंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभरात्रि। Richie FM is number one in Singapore. I love Richie FM, it's so hot. They gave me la la, kai me hi hi. Thank you, Tao Pua, man. Richie FM is hot. Here at Rugby Town, Singer Talker, love listening to Richie FM. Richie FM is hot. Richie FM is number one in Suva. It's hot. Richie FM, bo chulung chulung. Richie FM, it's hot.